सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित गंगाराम शर्मा है। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस जे का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, 6 मुरादाबाद लोकसभा। आप कितने समय से राजनीति में सक्रिय हैं? मैं लगभग 35 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और मैं निस्वार्थ भाव से राजनीति कर रहा हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानव अधिकार विभाग का चेयरमैन हूँ, सैनिक विभाग का चेयरमैन हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का जिला सचिव हूँ। मैंने श्री अविनाश पांडे जी से, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, अपना बायोडाटा देकर कहा था कि मुरादाबाद सीट से आप टिकट मुझे दें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मुरादाबाद की जनता मुझे चुनेगी। कांग्रेस जी की पार्टी के ऐसे कौन से मैनिफेस्टो में उद्देश्य हैं या आपके मैनिफेस्टो में हैं जिसे लेकर आप जनसेवा करेंगे? मैं खास तौर पे एक आम आदमी हूँ, गरीब पिछड़ो कमजोर लोगों के साथ मैं 24 घंटे खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूंगा। इसी उद्देश्य के लिए मैं कांग्रेस जैसे अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया हूँ। मौजूदा समय में सभी दिग्गज पार्टियों के नेता यहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस जैसे आप यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से पब्लिक आपकी ओर आकर्षित होगी? देखिए साहब, इस राजनीति में स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, 55% गुंडा एलिमेंट है जिन पे कहीं ना कहीं कोई केस लगा हुआ है। बाहर के प्रत्याशी आते हैं, जीत के चले जाते हैं, पर जनता की सेवा के लिए वो दूर रहते हैं। मैं एक आम आदमी हूं, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा, इसीलिए मैं मुरादाबाद के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, मुरादाबाद की जन समस्याओं के लिए, और शायद आपको विदित होगा कि कपूर कंपनी का पुल जो कि काफी सालों से चलता रहा है, अब 2 साल से वो पुल को बंद कर दिया, जिससे लाइन पार की जनता काफी त्रस्त है। मेरा मेन मुद्दा है कि कपूर कंपनी के पुल को ऐसा बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए, जिससे मुरादाबाद की जनता, खास तौर पर एडवोकेट्स जो लाइन पार में रहते हैं, वहां की जनता है, वो सुगमता से अपने घर पे पहुंच सके। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इससे पहले आप संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या सोचकर वो मतदान करें और किस चीज को अपने दिमाग में रखें कि हमें किस मुद्दों पर किस प्रत्याशी को चुनना? देखिए साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं गरीब दलित महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। आपको पता ही है, कानून व्यवस्था मुरादाबाद में बिल्कुल ध्वस्त है। आज दिन चैन स्नेकिंग होती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा।